सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा से आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह को राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया। आज एक होटल पर प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने इसकी विधिवत घोषणा की। राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सपा और बसपा ने डुमरियागंज लोकसभा से भारी प्रत्याशी उतारा है। भाजपा से आज 15 साल से जिले के बाहर बस्ती के रहने वाले जगदम्बिका पाल सांसद बन रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं। मजबूत होंगे अपनी लड़ाई समर्थन। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत चौधरी जी के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो हाँ हमारे साथ विराजमान है सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय स्थिति को देख करके जो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है और जिले की हालत है उस पर आपने पैनी नजर रखा होगा। देश की स्थिति ऐसी हो गई है, सरकार ने ऐसा कायदा कर दिया है जिसके लिए एकजुट होना स्वाभाविक है। प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से हालात पैदा कर रखे हैं उस तरह से एकजुट होने की जरूरत है और जिले में जिस तरह से तमाम दलों ने, उसमें से मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, आप तो चौथे स्तंभ से हैं, कि सभी लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में बाहरी प्रत्याशियों को उतारने का बार बार प्रयास किया है। जैसे लगता है उन पार्टियों को जिन्होंने बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं कि जनपद सिद्धार्थनगर चरागाह है। आपने देखा है वर्तमान निवर्तमान सांसद ये बस्ती के रहने वाले हैं, 15 साल से इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर में यहाँ के लोगों के साथ, जिले के साथ सिर्फ छलावा किया है। अब की बार आपको लगता भी होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो उनके कार्य क्षेत्र के प्रति लोगों में जनपद में आक्रोश है, जनपद वासियों में तो आक्रोश सही है, उनके पार्टी के पदाधिकारियों में और आक्रोश है, ये सबसे छिपा नहीं है। तब तक यहाँ हो गया कि इनको हटाना है, तब तक एक दूसरी मुसीबत गोरखपुर से आ गए बाहरी, एक मुसीबत टलाना ही दूसरी आ गए, तो जनपद वालों को लगने लगा ये कहाँ से आए। तो लोगों ने कहा ये वही प्रत्याशी हैं कि जो वर्तमान में इंडिया के पार्टी हैं, समर्थन है इसका समाजवादी का, इनके छोटे भाई सन 12 में बांसी से लड़े थे और 24 में फिर आए हैं गोरखपुर से। 12 साल तक बांसी में तो किसी के सुख दुख में देखा नहीं, तो कहीं वही फिर हैं आ गए। तब तक इनका देखी देखा खत्म नहीं हुआ, लोग विचार कर रहे थे, तब तक बीएसपी ने ला करके लखनऊ से उतार दिया। तो ऐसे लगने लगा सिद्धार्थनगर की जनमानस को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को, कि लगता है कि इन पार्टियों ने तो सिद्धार्थनगर को चरागाह समझ लिया और यहाँ के सिद्धार्थनगर के 19 लाख मतदाताओं को नादान समझ लिया है। तो ऐसे में अगर आदरणीय हेमंत चौधरी जी ने अपनी पार्टी के साथ भीम आर्मी समर्थित आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह को अपना भाई समझ के सिद्धार्थनगर के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अपना समर्थन दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये समर्थन एक दूसरे का होना भी चाहिए। आज देश में नौजवानों के लिए लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है, बेरोजगारी पर लड़ना है, महंगाई पर लड़ना है।